हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वेलकम बैक टू एसएससी एरिना। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि करंट अफेयर्स का एक वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अभी, और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो रिलेटेड है हमारे जो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ओके, 26 मई 2014 को ही इन्होंने जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, इनका नंबर भी याद रख सकते हैं आप, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनसे ये जो वीडियो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को अब तक कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हैं पहले, और आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो हाल ही 2019 में जो ये अवार्ड मिला है यूएई का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अप्रैल में मिला है, तो जो भी एग्ज़ाम मई से लेकर के आप जो 2019 में देखेंगे, सभी में चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अभी 4 अप्रैल 2019 को ये मिला है यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और उस सम्मान का नाम है जायद मेडल, ठीक है। तो बच्चों, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, कि सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि जायद मेडल सम्मान किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएई, या फिर किस देश ने दिया या किसको दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। कब दिया? 4 अप्रैल 2019 को। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो ये मिला किस लिए है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और यूएई के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे फैसले लिए हैं, और काफ़ी सारे जो एमओयू हैं वो भी सिग्नेचर्स किए हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ज़रूर याद रखना है, आप इसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है फिलिप कोटलर पुरस्कार। हो सकता है कि आपने इस पुरस्कार के बारे में ना भी सुन रखा हो, क्योंकि ये कोई भारत, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, भारत का ही पुरस्कार है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये है फिलिप कोटलर पुरस्कार, ठीक है। ये 14 जनवरी 2019 में दिया गया था, तो देखिए ये भी 2019 में दिया गया है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दिल्ली में दिया गया, और फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान ये भारत में ही दिया जाता है, ठीक है। हर वर्ष राष्ट्रीय नेता को दिया जाता है, तो इस बार किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसके लिए मिला है? देश के उत्कृष्ट नेतृत्व। अब नेता का काम होता है नेतृत्व करना, तो जो भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो काफ़ी अच्छा नेतृत्व करता है देश को आगे लेके जाने के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है फिलिप कोटलर पुरस्कार, जो कि दिया गया है 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस अवार्ड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2019 में ही दिया गया है। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर से यूएई का, जैसे सर्वोच्च सम्मान आपने देखा जायद मेडल, तो उसके बाद अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सियोल शांति पुरस्कार। सबसे पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सियोल शांति पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च शांति पुरस्कार है, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों दिया होगा, आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा, दक्षिण कोरिया विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताता हूँ कि जो हमारे देश यानी भारत का सर्वोच्च शांति पुरस्कार है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ठीक है। तो अगर उसके बारे में वीडियो आपको देखना है तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और 4 जो लास्ट में वीडियो अपीयर होंगे उसमें भी होंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये मिला था 24 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों मिला था? ठीक है, क्योंकि इन्होंने शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए काफ़ी कड़े फैसले लिए हैं और काफ़ी कार्य किया है, इसीलिए दक्षिण कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया था नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और ऐसा पाने वाले ये 14वें व्यक्ति थे। आजकल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सीपीओ के एग्जाम में पूछ दिया था कि जो अभी हमारे गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक के, वो कौन, जो शशिकांत दास, वो कौन से नंबर के रिजर्व बैंक गवर्नर बने थे, तो वो 25वें नंबर के बने थे। तो इसी तरीके से आपको जो अब नंबर्स हैं ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 14वें नंबर के व्यक्ति हैं जिनको सियोल शांति पुरस्कार मिला है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है।
एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे जलवायु परिवर्तन को रोकना हो, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को रोकना हो, तो इन या फिर पर्यावरण की को बढ़ावा देने के लिए जो भी ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य करता है उसको दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? ये दिया जाता है UN, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो 2018 सितंबर में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि और किस देश के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी जी के साथ यह अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया था मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इन दोनों को दिया गया था एक साथ। तो आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति या फ्रांस के जो रिश्ते हैं भारत से काफ़ी अच्छे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला अवार्ड है फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। अब आप नाम से ही पता चल गया कि आपको किस देश ने दिया है, ये फिलिस्तीन ने। कब दिया है? 10 फरवरी 2018, ठीक है। ग्रैंड कॉलर सम्मान क्या है? ये ग्रैंड कॉलर जो सम्मान है, किसी विदेशी मेहमान को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि फिलिस्तीन सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति महमूद अब्बास। तो ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को की बेहतरी के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो आपको ये अवार्ड भी याद रखना है, फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। तो बच्चों 2018 और 2019 में जो अवार्ड दिए गए थे, जो कि अब के आने वाले करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आता है, तो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, परंतु मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ठीक है बच्चों। तो SSC अरीना को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।